हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं स्टॉक मार्केट तक चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 24 मार्च के ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट के रिलेटेड, यानी कि आज के अनुसार से अनऑफिशियल मार्केट में कितने परसेंट प्रीमियम पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, साथ ही लिस्टिंग प्राइस कितना हो सकता है। रुचि सोया FPO, KN एग्री IPO, उमा एक्सपोर्ट IPO, इसके अलावा एक और IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही इन चारों IPO के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी देखेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। इसी तरीके के IPO और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल वाले को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। आने वाले अच्छे IPO में अलॉटमेंट चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक डॉट अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देयर लिस्टिंग गेन का फायदा उठा सकते हैं। तो अभी तक अपने फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह अपस्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में अपने फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। विद इन आवर इन चार चीज़ों को रेडी रखकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, सिग्नेचर रखते हैं तो ओपन हो जाएगा, और आने वाले HIPO में अप्लाई करके एक एक लॉट आप अपने अलॉटमेंट चार्ज को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। तो बात करें यहाँ पे फर्स्ट IPO के रिलेटेड, तो KN एग्री IPO के रिलेटेड बात की जाए तो यहाँ पे 15 मार्च से IPO ओपन हुआ था, 17 मार्च इस IPO का क्लोजिंग डेट आपको रखा गया हुआ था। बुक विल इस IPO को था, यहाँ पर ₹10 पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू प्राइस बैंड के अनुसार से देखेंगे कटअप प्राइस पर कितने परसेंट प्रीमियम पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। 1600 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी थी। वहीं पे बात करें इस IPO की इशू साइज की, थी यहाँ पे 49 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें यहाँ पे 50% QIB के लिए, 35% रिटेलर्स के लिए और 15% HNI कैटेगरी के लिए आपको रिजर्व रखा गया हुआ था। वहीं पे इस IPO की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट जो कि आने वाले समय में होने वाली है उसकी बात करें तो यहाँ पे यदि इस IPO में आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आज के डेट में आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे 25 मार्च को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 28 मार्च को यह NSE SME पर कंपनी लिस्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। वैसे इस IPO में एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट थी, तो 1,20,000 होनी चाहिए थी तो जाकर यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे KN एग्री की जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको देखने को मिला था वो काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको देखने को मिली थी। HNI कैटेगरी में भी आपको 700 से ऊपर टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, QIB में भी 10% और रिटेलर्स में 87%, और बात करिए टोटल ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन हुई थी KN एग्री IPO में वो 151.90 टाइम्स IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को। इसी कारण से यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 21 मार्च के इसके कितने पर ट्रेड कर रही थी, तो यहाँ पे 1,00,000 पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट पर 1,00,000 का प्रॉफिट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार से दिख रही थी। वहीं पर देखा जाए तो 23 मार्च को जो कल के शाम को डेट के अपडेट किया गया था, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम वो 80,000 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। यानी कि यहाँ पे बात करें तो लगभग आपको 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट पे 80,000 का प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पे बात करें तो आपको इस IPO में लगभग आपको यहाँ पे जो 64% के प्रीमियम पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज के डेट में भी सेम आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को। नेक्स्ट IPO की बात करें तो PE एनालिटिक IPO की बात करें तो 22 मार्च से IPO ओपन हुआ था और 25 मार्च इसका लास्ट कल डेट है इस IPO में अप्लाई करने के लिए, और बुक बिल्ड इस IPO AV IPO थी, ₹10 पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू प्राइस बैंड के अनुसार से बात करें तो कटअप प्राइस 114 पर इस IPO में अप्लाई करनी है, 1200 इक्विटी ऑफ शेयर आपको इस IPO में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। वैसे बात करें इसके इशू साइज की तो 31.60 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें बात करें तो 50% QIB के लिए, 35% रिटेलर्स के लिए और HNI कैटेगरी के लिए 15% आपको रिजर्व रखा गया हुआ है। वैसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम्स देखने से पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है उसकी बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको 13 मार्च अलॉटमेंट डेट, 31 मार्च रिफंड डेट रखा गया, 1 अप्रैल आपको आपके डिमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 4 अप्रैल को NSE SME पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे इस IPO में एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो 1,36,800 रुपया चाहिए, देन यहाँ पे इस IPO में मैक्सिमम एक लॉट या मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको कल के डेट में 22 मार्च की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट कर रहा था उसके अनुसार से 32,000 पे ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे बात करें जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट किया गया है उसके अनुसार से मात्र यहाँ पे 3,000 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। बुरी तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्रैश देखने को मिली है इस IPO के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे फर्दर जो बात करें कई सारे इंपॉर्टेंट IPO आ रही है और आने वाले समय में इंपॉर्टेंट IPO के डेट आने वाली है,
इसी कारण से SME IPO में थोड़ी सी प्रेशर आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट IPO की बात करें तो उमा एक्सपोर्ट IPO, ये IPO 28th ऑफ मार्च से ओपन होगा और 13th ऑफ मार्च इसका क्लोजिंग डेट आपको रखा गया। बुक बिल्ड इसी IPO होने वाली 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। इसका फेस वैल्यू प्राइस वैन के अनुसार से आपको कट ऑफ प्राइस 68 पर अप्लाई करना है। 220 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई करते समय इस IPO में सेलेक्ट करनी हुई। इसकी बात करते हैं यहाँ पे 60 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है, जिसमें 35% रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, लेकिन स्मॉल इशू साइज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अलॉटमेंट के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करके ही इस IPO में अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। वैसे BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगी। इसके रिलेटेड बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट 4th ऑफ अप्रैल, अलॉटमेंट डेट आपको 5th ऑफ अप्रैल, आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और 5th ऑफ अप्रैल को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 7th ऑफ अप्रैल को या BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। उमा एक्सपोर्ट IPO में अप्लाई करने के लिए 14,960 रुपये होनी चाहिए, देन यहाँ पे 1 लॉट मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 23rd ऑफ मार्च के इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज की डेट की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें 24th ऑफ मार्च की, तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में सब्जेक्ट टू रेट अप्लीकेशन रेट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि पॉजिटिव साइन इसमें देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छे देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से स्मॉल इशू साइज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको देखने को मिलेंगे। इस कारण से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। IPO की बात करें तो रुचि सोया FPO की बात करें तो यहाँ पर 24th ऑफ मार्च आज ही के डेट से IPO ओपन होने जा रही है। वैसे आपको यहाँ पे आज के डेट में 5 PM तक कितना सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको होती है उसके रिलेटेड और शाम को लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ 5 to 6 PM में इस चैनल पे एक अपडेटेड वीडियो मिल जाएंगे, सो जरूर रहेगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिल पाए। वैसे इसकी क्लोजिंग की बात करें तो 28th ऑफ मार्च रखा गया, यानी कि यहाँ पे 24th, 25th और 28th इन 3 डेट को इस IPO में अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वेट करना चाहिए 24th और 25th को, देन यहाँ पे 28th ऑफ मार्च को इस IPO में अप्लाई करने के लिए प्लानिंग करना चाहिए फॉर द लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू यहाँ पे प्राइस वैल्यू के अनुसार से कट ऑफ प्राइस 650 पर अप्लाई करना है। 21 इक्विटी ऑफ शेयर आपको सेलेक्ट करनी होगी और यहाँ पे BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है वो आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है, इसके रिलेटेड 13,650 रुपये होने चाहिए, देन यहाँ पे इस IPO में 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे 21st ऑफ मार्च के इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई भी ट्रेड होते हुए नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन 22nd ऑफ मार्च को इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 18 रुपीज़ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी। वहीं पर देखा जाए 23rd ऑफ मार्च के ग्रे मार्केट प्रीमियम के तो 28 रुपीज़ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। और आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 रुपीज़ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कट ऑफ प्राइस रखा गया है 650, उसमें आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐड करते हैं तो 675 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल करता है। और इसके अनुसार से बात की जाए तो यहाँ पे लगभग आपको 4% के प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे यहाँ पर रुचि सोया FPO के सब्सक्रिप्शन स्टेटस और आने वाले समय में फर्दर ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड अपडेट के लिए जो stockmarkettak.com साइट आवर साइट करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस लिंक पर विजिट कीजिएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस वाले साइट पर विजिट करके स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा, तो यहाँ पर आपको और इसको यहाँ पर ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस पर आवर का अपडेटेड मिल जाएंगे और साथ ही ग्रे मार्केट प्रीमियम आने वाले समय में कोई भी फर्दर चेंज होगा उसके रिलेटेड अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो जुड़िएगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिल पाए। सो मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।